वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भाल की। आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुख्तस ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3/7 ए बी and B lies on the line segment AB. अगर A और B बतरतीब -2, -2 और -4 है तो B के मुख्तसात मालूम कीजिए, जबकि AP is equal to 3/7 AB, B खतायखत AB पर वाक है। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, मैं आपको सोल्यूशन कर दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो कहा गया है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB, इसके जो पॉइंट दिया है -2, -2 और ये 2, -4 दिया है। इस पर एक पॉइंट है P जिसके मुख्तसात मुझे पता करना है। अगर मैं स्टूडेंट्स m1:m2 यानी कि m1 m2 पता कर लूंगा तो मैं सॉल्व इसीलिए कर सकता हूं। तो मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो देखिए, AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ स्टूडेंट्स। यहां से मैं M1 और M2 पता कर सकता हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, AP 3/7 AB का है, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये AP को AB के डिवाइड मिला रहा हूं, क्योंकि AB डिवाइड AP मुझे करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, देखिए इसको इधर भेज रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं। देखिए 3/7 है, इसको इधर भेजूंगा मैं तो 7/3 हो जाएगा, AB डिवाइड एपी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल टू एबी क्या है देखिए स्टूडेंट, यहां से यहां तक क्या है देखिए, एपी प्लस पीबी। तो एबी को लिख रहा मैं एपी प्लस पीबी डिवाइडेड बाय एपी स्टूडेंट्स। अब ये जो एपी है स्टूडेंट, दोनों को डिवाइड है, देखिए एपी प्लस एपी डिवाइड एपी प्लस PB डिवाइड AP, दोनों को रहता है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम AP प्लस AP सॉरी डिवाइड PB डिवाइड AP स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से दोनों कट जाएंगे, 1 बच जाएगा, 7/3 ये 1 को इधर ला लेंगे, -1 इज इक्वल टू PB डिवाइड AP आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए PB डिवाइड AP यानी कि AP डिवाइड PB, तो यहां पर देखिए रेशियो बन रहा है हमारे पास। अब यहां से क्या होता है देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे 1 रहता है, एलसीएम ले लीजिए 3, 1 × 7, 7 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए इज इक्वल टू PB डिवाइड AP, 7 - 3 होता है स्टूडेंट्स 4/3 इज इक्वल टू PB डिवाइड AP। तो देखिए यहां से रेशियो हमारे बन गए स्टूडेंट्स, PB रेशो AP इज इक्वल टू 4:3 यानी के PB जितना है हमारे पास 4 है और AP 3 है स्टूडेंट्स। तो देखिए AP है 3:4, ये M1 और M2। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, x1 y1 x2 y2, चलिए इनके वैल्यूज लिख लेंगे हम। सबसे पहले x1 की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स -2, y1 की वैल्यू आपके पास है -2, x2 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, x2 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू -4, m1 3 है और m2 4 है स्टूडेंट्स। अब इन वैल्यूज को आप सेक्शन फॉर्मूले में रख लीजिए, x, y p के पॉइंट बता कर रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला स्टूडेंट। चलिए अब वैल्यूज को रख लेंगे हम यहां से और हमारा आंसर आ जाएगा। m1 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या है, m1 का वैल्यू है 3 इंटू x2 का वैल्यू है 2 प्लस m2 का वैल्यू 4 इंटू x1 है
माइनस टू डिवाइडेड बाई एम वन थ्री प्लस एम टू फोर। एम वन का वैल्यू देखिए आपके पास थ्री इंटू वाई टू, वाई टू का वैल्यू माइनस फोर है स्टूडेंट्स, प्लस एम टू का वैल्यू है फोर इंटू वाई वन का वैल्यू है माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर। अभी देखें यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दो तीन छ प्लस इंटू माइनस एट डिवाइडेड बाई सेवन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहां देखिए तीन चौक बारह माइनस बारह प्लस इंटू माइनस माइनस चार दुगनी आठ डिवाइडेड बाई सेवन आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस एट माइनस टू बाई सेवन आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन माइनस ट्वेंटी बाई सेवन आ गया स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स वाई एक्स कमा वाई। तो यहां से देखिए एक्स और वाई के वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए स्टूडेंट्स। एक्स का जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू बाई सेवन और वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी बाई सेवन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एट स्टूडेंट्स। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।